गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आपका भाई बहुत ही बढ़िया है। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा जो कि हम गए थे INS खुखरी मेमोरियल और वहां का पूरा नज़ारा आपको दिखाया था। अगर वो व्लॉग आपने नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर वो व्लॉग देखिए। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, यहाँ से दीव से करीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर एक फुदम विलेज है और फुदम विलेज के नज़दीक ही एक भगवान महादेव का एक टेंपल है जो कि बहुत ही डिफरेंट है। एक केव्स में 5 लिंग है। तो अभी चलते हैं वहाँ पर गंगेश्वर टेंपल पे और वहाँ का पूरा नज़ारा हमको दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ और दर्शन करते हैं महादेव भोलेनाथ का। तो चलिए चलते हैं। अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं गंगेश्वर टेंपल, जो मेरे पीछे आप देख सकते हो वहाँ पर केव्स में भगवान शंकर की शिवलिंग है। तो चलिए दर्शन करते हैं और ये है कुछ यहाँ का व्यू। तो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं गंगेश्वर महादेव दीव में। तो अगर हम यदि इस प्लेस की बात करें तो जो महाभारत में वर्णन किया है कि जो पांडवों का वनवास चल रहा था तो सभी भाइयों अभी इस दीव टापू की तरफ आए थे और सभी भाइयों का पांडवों का एक नियम था कि शाम को भोजन करने से पहले शिव भगवान की वो पूजा आरती करते थे और बाद में खान पान वगैरह कुछ करते थे। तो इस क्षेत्र में पांडव आए थे तो बाद में सभी भाइयों ने अपने कद रूप के हिसाब से यहाँ पर शिवलिंग का निर्माण किया था। तो भी चलते हैं वहाँ पर और दर्शन करते हैं इस गंगेश्वर महादेव टेंपल का।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ केव्स में यहाँ भगवान शंकर की 5 शिवलिंग है, जो कि पांडवों ने अपने कद हिसाब के अनुसार ये अपने वनवास के दरमियान यहाँ पर आए थे और ये शिवलिंग यहाँ पर प्रस्थापित की थी, यहाँ पर बनाई थी। और पीछे देखिए ये समुंदर, क्योंकि समुंदर की लहर आती है तब ऑटोमेटिक यहाँ पर जल अभिषेक होता है शंकर भगवान की इस शिवलिंग का। आप देख सकते हैं पीछे, जब ज़्यादा पानी होता है तब शिवलिंग नहीं दिखती, लेकिन जब पानी फिर से चला जाता है तब सभी शिवलिंग का दर्शन आपको बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरा भोला है भंडारी लेके नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंभुनाथ रे। जी हाँ, तो आज हमने दर्शन किया भगवान भोलेनाथ, इस गंगेश्वर महादेव की, जो पांडवों ने हजारों सालों पहले ये जो लिंक स्थापित की थी, यहाँ पर बनाई थी, उसका आज हमने दर्शन किया। तो अगर कभी भी आप दीव आते हैं तो ज़रूर आप दर्शन के लिए आइए इस गंगेश्वर महादेव गंगेश्वर टेम्पल का। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो अभी यहाँ का दर्शन हो गया है, तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा पीछे का व्यू आपको बताते हैं, बाद में ये ब्लॉग को करते हैं कंप्लीट। तो चलिए चलते हैं अभी पीछे की साइड, क्योंकि दीव में ये गंगेश्वर महादेव का टेम्पल मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट ये प्लेस है, क्योंकि बहुत सारी यादें यहाँ पर जुड़ी हुई है। जब भी हम फ्री होते हैं तो हम फ्रेंड सर्कल के साथ यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं और आनंद लेते हैं इस ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन व्यू का। चलिए आपको भी दिखाता हूँ, यहाँ पर थोड़ी देर अभी हम रेस्ट करते हैं और कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम ही होगा। हमारा देश इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है, क्योंकि विविधता में भी एकता। आप कहीं भी किसी भी देश में चले जाओ, लेकिन यहाँ पर हमारे देश में जो विविधता में एकता है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, बहुत सारे यहाँ धर्म है, जाति है, और बहुत ही प्यारी से एकता के साथ, प्यार के साथ सभी यहाँ पर रहते हैं और अपनी अपनी जो कल्चर है वो फॉलो करते हैं। चाहे वो कोई भी आप धर्म ले लीजिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, या क्रिश्चियन हो, पारसी हो, या सिखिज़म हो, सभी एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होते हैं और सभी भाईचारे से रहते हैं। तो आपको ऐसी कंट्री कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आज थोड़ी बात ऐसी है जो कि हम सबको इतनी ज़्यादा लाइक नहीं करते इंडिया में, चाहे वो क्लीनिंग हो या डिसिप्लिन हो, यहाँ का कुछ मैनेजमेंट सिस्टम आप कह लीजिए। फिर भी कहीं पे भी आप चले जाइए, गुजराती में एक कहावत है, दुनिया नो छेड़ो घर। इसी तरह कहीं पे भी दुनिया में चले जाए, लेकिन हमारा घर, ये हमारा देश बहुत ही प्यारा है हम सबको, और बहुत ही सुकून मिलता है आप कहीं पे भी इंडिया में चले जाओ, ऐसी फीलिंग आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी।
तो चलिए चलते हैं, आगे का व्यू बता दे आपको। सोल्टेड पानी, समुद्र का पानी, सारी चट्टान यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी चट्टान यहाँ पर बिखरी हुई पड़ी है इस तरफ भी। असली मज़ा आपको अब आने वाला है, क्योंकि आपको वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो काफ़ी हमने नज़ारा यहाँ पर देख लिया, दर्शन हमने कर लिया इस गंगेश्वर महादेव का। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिसका नाम है डायरेक्शन माइल्स। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, ऐसे नज़ारे देखते रहिए। और इसी के साथ मिलते हैं एक नए व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।